चुके मरीज का एमएमसी एसएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने मरीज का सफल इलाज किया है। मरीज को 4 दिन पहले हृदयघात हुआ था और मरीज की रिपोर्ट में दाएं और की धमनी पूरी तरह से बंद थी, साथ ही बाएं तरफ की एक धमनी में भी 90% ब्लॉकेज था। मरीज की गंभीर बीमारी को देखते हुए रायपुर के अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने मरीज का इलाज कराने से मना कर दिया। परेशान मरीज ने एमएसएमसी हार्ट अस्पताल का दरवाजा खटखटाया और यहां के डॉक्टरों ने मरीज का सफल इलाज किया। आपको बता दें कि आप तो आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह की बीमारी का इलाज कर पाना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उम्मीद नहीं छोड़ी और मरीज की बीमारी का सफल इलाज किया है और अब मरीज की हालत में सुधार भी देखने को मिल रहा है और अस्पताल से मरीज को छुट्टी भी दे दी गई है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जीने की उम्मीद छोड़ चुके मरीज का एसएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने मरीज का सफल इलाज किया है। मरीज को 4 दिन पहले हृदयघात हुआ था और मरीज की रिपोर्ट में दाईं ओर की धमनी पूरी तरह से बंद थी, साथ ही बाएं तरफ की एक धमनी में भी 90% ब्लॉकेज था। मरीज की गंभीर बीमारी को देखते हुए रायपुर के अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया। परेशान मरीज ने जब एसएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल का दरवाजा खटखटाया तो यहां के डॉक्टरों ने उसका सफल इलाज किया है। वो ऑलमोस्ट 3 हॉस्पिटल से गुजर के यहाँ आए थे और वहाँ भी कार्डियक सर्जन है जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, बट इस सर्जरी में क्योंकि मोर्टालिटी जो ऑपरेशन के बाद जान जाता है ऑलमोस्ट 30-40% रहता है, ऑलमोस्ट 70% मोर्टालिटी रहता है, जान चला जाता है, इसलिए बहुत सारे कार्डियक सर्जन है जिसको इस सर्जरी करते ही नहीं बाहर भेज देते हैं क्योंकि इसमें मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा होता है। बट डॉक्टर चौरासिया ने करेज लेकर इसको किया है और ये सिंगल केस नहीं है, हमारे सेंटर में अभी 4 केस हो गए हैं और सारे पेशेंट सारे अच्छे हैं और अच्छे होके गए। कि ये ऑपरेशन बहुत कम होता है, रायपुर में शायद ही कोई करता है या छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई करता है। हमने आज तक 4 पेशेंट का ये ऑपरेशन यहाँ सक्सेसफुली किया है, चारों अच्छे से कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ एंड बोल सकते आगे भी ऐसे जब जटिल ऑपरेशन होंगे हम लोग सबका साथ चाहेंगे और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब बात बेमित्रा की करेंगे।